इसराइल हमास युद्ध में केवल दो देश ही शामिल नहीं है, बल्कि इसमें कई देश और ग्रुप शामिल हो गए हैं। कोई इसराइल के पाले में खड़ा है तो कोई हमास का हिमायती है। अब इस युद्ध में रूस का वैगनर ग्रुप भी शामिल होने जा रहा है। पहले आपको बता दें कि वैगनर ग्रुप है क्या। ये एक प्राइवेट आर्मी है जो रूस की तरफ से लड़ रही है। इसके लड़ाके बेहद खूंखार और वेल ट्रेंड होते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में इनकी भूमिका बेहद खास रही। इनकी मदद से रूस को कई जगहों पर यूक्रेन को मात देने में जल्द कामयाबी मिली थी। इसराइल हमास युद्ध में ईरान और रूस हमास के साथ खड़े हैं। रूस के वही खूंखार लड़ाके यानी वैगनर आर्मी अब हिजबुल्ला की ताकत बढ़ाने जा रही है। ईरान समर्थित हिजबुल्ला पहले से ही हमास के साथ इसराइल से टक्कर ले रहा है। इसराइल के पाले में खड़े अमेरिका के खुफिया विभाग ने दावा किया है कि रूसी वैगनर ग्रुप लेबनानी मिलिशिया हिजबुल्ला को अपना एयर डिफेंस सिस्टम देने की योजना बना रहा है। ये एयर डिफेंस सिस्टम है SA-22 वायु रक्षा प्रणाली, जिसे पैंटीर S-1 के नाम से भी जाना जाता है। एयर डिफेंस सिस्टम SA-22 की ताकत बता दे कि ये रूस में निर्मित ट्रक पर लगी जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल और विमान भेदी हथियार प्रणाली है। इस मिसाइल सिस्टम को एक्टिवेट किया जाए तो ये इजरायली F-16 और F-35 फाइटर जेट्स को मारकर गिरा सकता है। इस हथियार का सफलतापूर्वक इस्तेमाल रूस यूक्रेन युद्ध में भी किया जा चुका है। न्यूयॉर्क पोस्ट की एक रिपोर्ट में वॉल स्ट्रीट का हवाला देते हुए बताया गया कि अमेरिकी अधिकारी वर्तमान में SA-22 की संभावित डिलीवरी पर वैगनर ग्रुप और लेबनान के हमास समर्थक मिलिशिया के बीच चर्चा की निगरानी कर रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक SA-22 को अभी तक वैगनर सेना ने लेबनान को दिया नहीं है, लेकिन रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि हिजबुल्ला और वैगनर के कुछ लोग अभी सीरिया में मौजूद हैं। ऐसे में जल्द ही डिलीवरी हो सकती है। जैसे जैसे इसराइल हमास युद्ध बढ़ रहा है, लेबनानी सीमा पर इसराइल और हिजबुल्ला के बीच झड़प भी बढ़ गई है। अमेरिकी खुफिया विभाग के इस दावे के बाद इस बात की आशंका जताई जा रही है कि गाजा में इसराइल के हवाई हमलों के खिलाफ लड़ने में हमास की मदद के लिए हथियार को लेबनान से गाजा ले जाया जा सकता है। अब ऐसा होता है तो इसराइल के सामने एक बड़ी चुनौती आने वाली है।